दौरा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज बहुत ही करीब आ चुका है। दौरा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के लिए T20 टेस्ट और ODI स्कोर भी जारी कर दिया गया। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, आप उसमें देख सकते हैं पूरा स्कोर जो है फुल डिटेल से बताया, T20 का भी, ODI का भी और टेस्ट का भी। यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने आई है, आप सबको पता है कि वकार यूनस ने इस्तीफा दे दिया था। अब जो है वो खबर कंफर्म हो चुकी है और इस्तीफा जो है हो चुका है। अब सीट बिल्कुल खाली हो चुकी है वकार यूनस वाली। अब आपको पता है कि बॉलिंग कोच के अलावा तो पाकिस्तान टीम या कोई भी टीम नहीं चल सकती, इसलिए बॉलिंग कोच चाहिए। तो आपको बताते हैं पूरा इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मजीद क्रिकेट की वीडियोज आपको मिलती रहें। दोस्तों ये फैसला हो चुका है कि PCB अब नया बॉलिंग कोच रखने जा रहा है। वकार यूनस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, उनके जो इस्तीफा था उस पर साइन वगैरह हर चीज़ हो चुका है और वो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। अब उनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान टीम से। अब नए बॉलिंग कोच की तलाश जारी कर दी है, जो हो सकता है कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले ही अनाउंस कर दिया जाए। अगर नहीं अनाउंस होता तो अभी वैसे ही कोई ऐसा कोच रख लेंगे थोड़े दिन के लिए या सीरीज से पहले किसी और को टेस्ट करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी काफ़ी ज़्यादा दिन है। जैसा कि आज जो है 4 जून है आज, सो 8 जुलाई को पहला मैच है और अभी एक मंथ तकरीबन पड़ा हुआ है, एक मंथ से 4 दिन ज़्यादा भी है, ठीक है। सो उससे पहले ही ऐलान हो जाएगा कि कौन नया बॉलिंग कोच होगा। इस सिलसिले में काफ़ी नाम सामने आ रहे हैं, अभी जो है 3-4 नाम जब सामने आएंगे तो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के लिए यही है कि भाई बॉलिंग कोच बदलने वाला है।